वैराग कभी कभी जागता भी है। कब जागता है? घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, वैराग जाग गया, अब नहीं रहना घर में, अब तो हम वृंदावन ही जाएंगे, अब तो झोला लेकर के निकल पड़े, बोले वहीं भजन करेंगे। झोला लेके पहुंचे ही थे स्टेशन पर, इतने में याद आ गया, अरे पगले कहाँ जा रहा है तू, वहां पहुंच तो जाएगा पर रहेगा कहाँ, और रह भी लेगा तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई धर्मशाला कोई मंदिर में कहीं तो जगह मिल जाएगी, लेकिन खाने को कहाँ मिलेगा, और खाने को मिल भी गया सूखी रोटी मिलेंगी, वो बीवी के हाथ की गरम गरम भलकियाँ थोड़ी मिलने वाली है। इसलिए थोड़ा प्रोग्राम चेंज करो, वापस घर चलो, और वापस घर आ गए। क्यों वापस आए हो जी, अभी तो बड़ी बड़ी बोल के गए थे मैं नहीं आने वाला, मैंने मतलब वो सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो घर कौन चलाएगा, परिवार की रक्षा कौन करेगा। वैराग जागा, 5 मिनट के लिए जागा, 5 मिनट लगता सब छोड़ छाड़ देंगे, अब हम कुछ नहीं करने वाले, कि फिर उसी में पड़ जाते। इसको बोलते मरकट वैराग, मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर जैसा वैराग, आज इस डाली पर कल उस डाली पर, अभी यहां तो कल वहां, मरकट वैराग। एक होता है शमशान वैराग, ये शमशान वैराग सबको आता है जीवन में कभी ना कभी। ये कब जागता है? जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो ये वैराग जागता है। वो कंधे पर 4 आदमी रख करके वो शमशान ले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलने वाले जो 2-4 लोग हैं आगे वाले, बस वो तो नारा लगाते चलेंगे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य, और पीछे वाले, वो पीछे वाले सत्संग करते हुए चलते हैं। क्या ले भैया, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में, सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अब देखो ना इनको बेचारे, शर्मा जी कितना पैसा था, बढ़िया फैक्ट्री चलती थी, सब कुछ था, कोई कमी नहीं, नौकर चाकर सब थे। महाराज आपको क्या बताया, कल 8 बजे तो हम इनके साथ बैठ करके डिनर किए थे, इनके साथ खाना खाए, फिर हम जाने लग, बोले नहीं नहीं थोड़ी देर और बैठो कॉफी पी के जाना। हम बैठ गए, कॉफी पी, 10 बजे तक खूब गप्पे लड़ाई, हम घर गए 11 बजे फोन आए, अटैक पड़ा और गए। भैया कुछ भरोसा नहीं जीवन का, कब कौन चला जाए, हम तो बस सोच लिए मन में अब पूरा जीवन भजन ही करेंगे, जब तक पहली माला नहीं कर लेंगे चाय तक नहीं पिएंगे। गए शमशान में, चिता जलती देखी, वैराग जागता रहा जागता रहा, ज्ञान भी जागा, प्रवचन देने में ऐसे समय में 2-4 प्रवचन देने वाले जरूर मिलते, लेकिन सब क्रिया कर्म करके अपना आए घर, और घर आके बीवी बच्चों का चेहरा देखा, आके स्नान किया, और जैसे नहाते ना पानी के साथ पूरा वैराग भी धुल के नीचे चला जाता, फिर वही काम धंधे में सब लीन, कोई याद नहीं कि अभी 5 मिनट पहले क्या कह रहे थे, भजन करेंगे माला करेंगे, कुछ याद नहीं। गया वैराग, थोड़ी देर के लिए आया, झगड़ा हो गया तो आया, किसी की मृत्यु हुई तो आया, कहीं अपमान हो गया तो वैराग जागा, लेकिन कभी भी सतत नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, जागता है सो जाता है, जागता है सो जाता है।